इनका वीडियो जरूर बनाना था। कौन है? एन्ना। कौन एन्ना? इधर देखिए, इधर देखिए। आ आ आ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नो 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 जूटा नो। तीखा लग जाएगा। ना क्या? तो गाइस ये रात के बज रहे हैं भोर का 4:30। और देखिए मैं कहाँ निकल चुकी हूँ, और निकली हूँ किसे, ऑटो से। तो आप लोग को पूरा वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्लिप कुछ करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कौन जा रहा, कैसे जा रहा, क्यों जा रहा। तो इतनी टाइम रात को उठ के फटाफट मैंने पूरी सब्जी वगैरह जो भी था वो सब बनाया, तैयारी की, और सारा काम करने के बाद जाने की तैयारी हो गई। तो बहुत बुरा लग रहा था, बट क्या करें, जाना तो था ही। लोग तो यहाँ पे ये है ओवर ब्रिज, जैसे चढ़ के हम लोग उस, इससे क्या होता है, ओवर ब्रिज जो ब्रिज का है काफ़ी ज़्यादा इससे शॉर्ट में पड़ जाता है रास्ता, और बहुत ही इजी हो जाता है, नहीं तो नीचे जाना तो बहुत दिक्कत होती। और भोर में या रात में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, या भोर सुबह के टाइम जो होता है। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन, वहाँ रोड एकदम खाली मिलते हैं और रात से ही बुक कर लिया गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात भोर था, लेकिन बट आप लोग देखिए कहाँ पे आ गए, कैसे आ गए। रात को ही गाड़ी को, ऑटो को बुक कर दिया गया था, तो क्योंकि ज़रूरी था करना, नहीं तो फिर भोर में कोई सुबह में मिलता नहीं। तो ये सब करने के लिए पूरी मैं हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ पे देखिए, इधर देखिए, बोल दीजिए आ रही, जा रही है। हेलो करिए, एकदम सोच रही है। हेलो स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम जयनगर टू न्यू दिल्ली। इधर 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 देखिए, इधर 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 ये देखिए। ये इंसान सुबह हो चाहे शाम, ये इंसान सबसे गड़बड़ लवार इंसान। रिकॉर्ड करेगा, वीडियो में डाल देंगे। बाबा दो ध्यान से।
देखिए क्या है, ठंडा कौन पिएगा? इधर हो वलसाड स्पेशल एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से चलकर कटनी जबलपुर इटारसी भुसावल के रास्ते वलसाड को जाने वाली कुछ अभी यहाँ पर ट्रेन पे उन्हें बैठा के एक ट्रक था उनका जो ट्रेन था वो गुजरात का था, तो लोग वहाँ पे मैंने छोड़ दिया वाराणसी कैंटी स्टेशन का पूरा बंद करके इस तरीके से। मैं पूरा आपको लुक दिखा रही हूँ। हेलो हाय ये हमको घुमा डाल रहे हैं जितना सारे। तो गाइस यहाँ से हम लोग छोड़ कर निकल रहे हैं, बट क्या करें, मन तो नहीं कर रहा था छोड़ के आने का, लेकिन मजबूरी थी, आना ही था। सच में बहुत तकलीफ़ फील हो रही थी। बस किसी तरीके से हम लोग छोड़ के यहाँ से निकल चुके हैं, वो उनका ट्रेन चल चुका था। तो फिर चलिए अब मिलते हैं घर पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भगवान करें आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, खुशियाँ मिलती रहे। तो आज आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग देखे ही होंगे मैं कहाँ गई थी, कैसे गई थी और कहाँ किसको छोड़ने गई थी। आप लोग ब्लॉग के साथ होंगे तो पूरा देख ही लिए होंगे। तो मैं सोची चलो आज आप लोग को बताई देती। कल का मेरा वीडियो तो पहुँच ही गया था, कल अपडेट वीडियो गया था, दो दिन नहीं गया था आज, पर शॉर्ट वीडियो भी गया। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते कि नहीं, देखा करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो उतना ज़्यादा वो सब नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा कुछ मोमेंट होता है ज़रूर एक होती है ना, उसके साथ खुश रहना अपना जीवन इस तरीके से अच्छा लगता है, थोड़ा सा इन्जॉय जो होता है वो चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला, इस पर भी डाला, इस पर भी डाला, सारे डाल दिए। और फिर मैं वहाँ उनको छोड़ने के बाद हम लोग फिर आए, चली गई, बहुत दुख रहा। वो तो कहूँगी वीडियो काफ़ी अच्छा तो नहीं आप लोग को लग सकता है, बट हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है, घर सूना सूना हो गया उनके जाने के कारण, पूरा घर अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा दिन दौड़ती थी उनकी जो बेबी थी, मेरी ननद की जो बेबी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बाबू को बोलती थी माँ माँ, बाबू बुलाती थी, इतना अच्छा लगता था। बट आज गई, अभी क्या बोले, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सोची अभी काम से खाली हुई तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ ब्लॉग बना देती हूँ। और सुबह की जितनी भी जर्नी थी, रास्ते का जाना आना, रात को भोर में निकलना था और भोर में ही उनका ट्रेन था 5 बजे का, तो इस कारण हम लोग को 4:30 बजे तो मैं उठ गई थी उनके लिए, पर पूड़ी और सब्जी बनाई रास्ते के लिए, टिफ़िन और पैकिंग वगैरह कर दी। पहले मैंने सोची थी कि मैं जाऊँगी, फिर ऐसे ही मन कर दिया उनके चलिए मैं भी चलती हूँ, फिर मैं आपको आना ही बाइक से, तो लेकर चलो तो मैं भी निकल गई छोड़ने चली गई। तो जाने का मतलब थोड़ा सा इंजॉय भी हो गया और कुछ अच्छी सी क्लिप भी आप लोग के लिए ले ली। तो वहाँ आप लोग को स्टेशन भी दिखा दी, वाराणसी स्टेशन बहुत लोग दिखाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने वहाँ का जो क्लिप बनाया वो अच्छा मुझे लगा। वहाँ काफ़ी लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रही है तो ऐसे चीज़ें सिचुएशन। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए, तो हमें प्यार सपोर्ट आप लोग की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग फटाफट करिए। और आप लोग की कितनी ज़्यादा ढेर सारी हमारी फैमिली हो जाए मैं यही चाहती हूँ, ढेर सारी हमारी फैमिली की कमेंट आए और रिक्वेस्टेड वीडियो जो होता है उसके लिए आए, तो मैं बहुत चीज़ें वीडियो बनाती ही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जितने लोग हों फटाफट सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और जितनी फैमिली फ्रेंडों में अगर आप लोग को अच्छा थोड़ा भी लगता है तो शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए अभी ब्लॉग के साथ बने रहिए, देखते हैं मिलते हैं कब तक।